रिसेंटली सो कॉल्ड स्ट्रगल क्वीन का कहना था कि हम मूवी के मार्केटिंग के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकते और ये नीचे गिरने का आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। दरअसल हुआ यू गुड़ी पौरा के दिन जो यश है ना उसकी पूरी फैमिली ने ट्रेडिशन पूरा की, जैसे कि नीचे बैठ के खाना खाया और पत्ते पे खाना खाया, अपने बेटा और बेटे को कम्प्लीटली जैसे कि हिंदू परिवार में लोग तैयार होते हिंदुस्तान के ट्रेडिशन में उनको तैयार किया और भाई वो वीडियो वायरल हो गई। बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार ऐसे पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते जैसे इस वक्त हमारे साउथ के सुपरस्टार है, यानी कि पैन इंडिया मेनस्ट्रीम एक्टर कर रहे। देखा रिसेंटली एक व्रत किया था अयप्पा स्वामी का रामचरण और अल्लू अर्जुन ने, उस चीज का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया। कुछ बॉलीवुड के सितारे का कहना था कि भाई साहब ये निंजा टेक्निक का टिकट बेचने की, और किसी का कहना था कि भाई ये तो स्टाइलिश स्टार का नया स्टाइल है, उनको पता ही नहीं कि ट्रेडिशन है क्या हमारा। अब देखिए केजीएफ का चैप्टर 2 आ गया, सच्ची बताओ ना पूरी बॉलीवुड की फटी पड़ी है इस बात को लेकर, क्योंकि रिसेंटली पहले पुष्पा आई थी खा गई सारी ऑडियंस, और इसके बाद आरआर आई और अब बीस्ट आ गई वो भी खा गई, और अब उसके बाद जितना बच्चा खुचा था सब केजीएफ 2 के पिटारे में आने वाला है। तो भाई ये लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। और रिसेंटली सो कॉल्ड स्ट्रगल देवी का कहना था कि हम मूवी के मार्केटिंग के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि यश भाई ने अपने फैमिली के साथ गुड़ी पौरा अपने इंडियन ट्रेडिशन मनाया और वो वीडियो वायरल हो गई। अरे दीदी वो वीडियो इसलिए नहीं वायरल हुआ कि उन्होंने नीचे बैठ के खाना खाया, बल्कि यह सबके चहेते और जो सिंपलिसिटी है वो लोग को पसंद आएगी आएगी। लेकिन अब इस दीदी को कौन समझाए हमारा ट्रेडिशन क्या है, इनको करण भाई साहब ही समझाए, क्योंकि ये लोग उन्हीं के शो में जाते हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं जो गुड़ी पौरा का व्रत होता है वो इसी तरीके से मनाया जाता है, और ये कोई टिकट बेचने की निंजा टेक्निक नहीं है। और जो साउथ के सुपरस्टार को बहुत पहले से जानते उन्हें पता है ये लोग हर साल इसी तरीके से मनाते, मगर अभी ये लोग नॉर्थ में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए तो कुछ अनन्या पांडे जैसे मोहतरमा पहली बार देखकर अचंभित हो जाते और उल्टा सीधा कुछ भी बक देते हैं। और बाकी मेरे बॉलीवुड वाले थोड़ा तुम भी रहम दिखाओ और कुछ अपने ट्रेडिशन से जुड़ो यार, तुम तो कतई वेस्टर्न बने ही जा रहे हो। बाकी कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ हैं बुरे, अब इस बात पर क्या ही बहस किया जाए। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।